ये तो समझ में मुझे आ गया कि आपकी गिर नस्ल की गाय, इनके बछड़े ये बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे दूध की बढ़ोतरी होती है और ये आपके काम भी बहुत आते हैं। लेकिन जो नस्ल विशेष वाली गाय नहीं है, नकारा गाय हैं, उनके जो बछड़े होते हैं उनका आप क्या करते हो? हम तो उसको है ना, एक साल बाद हो जाएगा बछड़ा उसका और अच्छे नस्ल का नहीं है तो उसको फिर मशीन से दबवा के, डॉक्टर साहब बुला, मशीन को दबवा के उसको खराब बना देते हैं, उसको भी बेल बना के वो खेती में काम में आता है, वो नहीं रखते हम। कृत्रिम गर्भाधान व नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए नाकारा सांडों का बधियाकरण करना भी आवश्यक है ताकि नाकारा सांडों के अनवांछित जनन पर रोक लगाई जा सके। मैंने देखा कि आप साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हो, अगर साफ सफाई में थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो उसका क्या नतीजा सामने आ सकता है? वो साफ सफाई नहीं करते ना तो डंडा को बीमारी हो जाती है, डंडा को बीमारी फैल जाती है, वो बहने में भी दिक्कत आती है, वो बच्चा दाने में भी दिक्कत आती है, शरीर बारह आ लग जाता है। इसे साफ सफाई तो रखना ही पड़ता है, उस नहीं रखेंगे तो वो हो जाएगा डंडा, फिर डॉक्टर को बुला के उसमें दवाई डलाते हैं फिर ठीक होते हैं।